हेलो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड कैसे निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस ओइटा वाई। एक्स इज अ रियल पार्ट एंड वाई इज इमेजिनरी पार्ट। तो इसके अकॉर्डिंग मॉडुलस होगा स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। नाउ फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है जैसे 3 माइनस रूट 3 ओइटा। सबसे पहले हमने एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकालनी है। जैसे एक्स है रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट होगा 3 एंड वाई इज इमेजिनरी पार्ट विच इज माइनस रूट 3। तो पहले हमने एक्स एंड वाई निकाल लिए, देन मॉडुलस क्या आएगा इसका, एक्स स्क्वायर, एक्स मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज 9 प्लस माइनस का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, देन रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 एंड विच विल बी रूट 12 एंड दिस इज इक्वल टू 2√3। ये आ गया आंसर, दिस इज मॉडुलस। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे मॉडुलस निकालें, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए हमारे पास है एक्स की वैल्यू क्या है इसमें √3 एंड वाई क्या है हमारे पास 1। तो अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यूज इसका मॉडुलस होगा मॉडुलस ऑफ √3 प्लस ओइटा विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है हमारे पास √3 का होल स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या है 1, दिस विल बी 1 का स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर इज 3 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 एंड विच विल बी √4 एंड √4 की वैल्यू क्या आएगी 2। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया इसका मॉडुलस। जब भी हमने मॉडुलस निकालना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, देन मेक श्योर कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो वो प्रॉपर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होना चाहिए, मींस एक्स प्लस ओइटा वाई के फॉर्म में होना चाहिए, देन उसका हमने मॉडुलस निकालना है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले तो एम्पलीट्यूड का मीनिंग है एंगल फाइंड आउट करना, मीन्स थीटा। तो इसका फॉर्मूला होगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, वेयर एक्स इज अ रियल पार्ट एंड वाई इज इमेजिनरी पार्ट। हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं पहले। इसके लिए भी जब भी हमने एम्पलीट्यूड निकालना हो तो प्रॉपर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होनी चाहिए। ओके, तो सेकेंड पार्ट से करेंगे स्टार्ट। रूट थ्री क्या है हमारे पास एक्स एंड वाई की वैल्यू है माइनस वन। तो हमने दोनों वैल्यूज निकाल ली, देन हम फॉर्मूले में पुट करेंगे विच इज थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई की वैल्यू है माइनस वन एंड एक्स की वैल्यू है √3। ओके, अब हम चेक करेंगे कि टेन की वैल्यू 1 अपॉन √3 किस एंगल पर होगी। दिस इज पाई अपॉन 6 अगर रेडियंस में बात करें, अदरवाइज 30 डिग्री, मीन्स माइनस 30 डिग्री। ओके, तो ये आ गया हमारे पास माइनस 30 डिग्री। इसके बाद क्या करना है हमने, इसमें हम क्वाड्रेंट चेक करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में है। अब देखिए, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो इसमें एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे और वाई एक्सिस के ऊपर भी पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, मीन्स प्लस कॉमा प्लस टाइप के पॉइंट्स होगा इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में भी एक्स एक्सिस पे नेगेटिव एंड वाई एक्सिस पे पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, मीन्स नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव टाइप के। नेक्स्ट थर्ड में नेगेटिव कॉमा नेगेटिव टाइप के एंड फोर्थ में पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव टाइप के पॉइंट्स मिलेंगे हमें। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर देखिए हमें पॉजिटिव नेगेटिव, ओके, मीन्स पहले एक्स का क्या है साइन प्लस एंड वाई का साइन क्या है नेगेटिव। तो इसमें है प्लस कॉमा माइनस, मीन्स ये क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम चेक करेंगे कि कौन सा इंटरवल है। इंटरवल है 270 डिग्री प्लस थीटा एंड 360 डिग्री माइनस थीटा। ओके, देन देखिए 360, इसमें 270 हम नहीं लेंगे क्योंकि पहले भी मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री की कि हमने 270 90 डिग्री कहीं भी नहीं लेना, क्योंकि 90 डिग्री एंड 270 डिग्री में जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं वो चेंज हो जाएंगे। ओके, एंड 360 डिग्री एंड 180 डिग्री ही ले सकते हैं इसमें हम। तो हम लेंगे 360 डिग्री माइनस थीटा। तो 360 डिग्री माइनस थीटा, थीटा है हमारे पास सिंपली 30 डिग्री। ओके, तो ये आ गया हमारे पास 360 माइनस 30 डिग्री। तो ये कितना हुआ 330 डिग्री। तो इसमें हम लिखेंगे माइनस 30 डिग्री और 330 डिग्री, ये हमारे पास एंगल्स होंगे, मीन्स एम्पलीट्यूड आ गया ये। ओके, ये होगा आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखिए अगर ये होगा नेगेटिव कॉमा नेगेटिव, मीन्स अगर हम देखें सेकेंड पार्ट बना लेते हैं इसको, अगर हमारे पास आए माइनस रूट थ्री माइनस ओइटा। ओके, तो इसमें क्वाड्रेंट कौन सा हुआ नेगेटिव कॉमा नेगेटिव, मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट हो गया इसमें। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग पहले तो हम फॉर्मूला लगाएंगे टेन इनवर्स वाई अपॉन वाई क्या है इसमें माइनस वन एंड एक्स क्या है माइनस रूट थ्री। तो ये आ गया टेन इनवर्स वन अपॉन रूट थ्री, मीन्स ये आ गया हमारे पास 30 डिग्री।
ओके 30 डिग्री आ गया। अब क्वाड्रेंट कौन सा है इसमें? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में इंटरवल कौन सा होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में इंटरवल है हमारे पास, थर्ड क्वाड्रेंट में है 180 डिग्री प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा। इसमें पहले इसमें भी बताया मैंने कि 270 हम नहीं लेंगे, तो हम लेंगे 180 प्लस थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग 180 प्लस 30 डिग्री एंगल हमने यही लेना है जो हमने निकाला है। ओके दिस इज इक्वल टू 210 डिग्री। तो हमारे पास जो आंसर आया है दिस इज एम्पलीट्यूड क्या होगा इसका? 30 डिग्री और 210 डिग्री, ये होगा इसका आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, ये है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले इसको प्रॉपर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनाएंगे जो पिछले पार्ट्स में किया है हमने। पहले इसको करेंगे, इसका जो कॉन्जुगेट होगा उसके साथ ही मल्टीप्लाई, उसके साथ ही डिवाइड। दिस विल बी 1 प्लस 3 ओएटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 ओएटा। ये सॉल्व करके आएगा हमारे पास 1 प्लस 2 ओएटा इंटू 1 प्लस 3 ओएटा डिवाइडेड बाई, ये फॉर्मूला बनेगा ए माइनस बी ए प्लस बी का। ओके तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। एंड दिस इज इक्वल टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1 के साथ 1 प्लस 3 ओएटा को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास 1 प्लस 3 ओएटा। देन प्लस 2 ओएटा को 1 प्लस 3 ओएटा के साथ, ये बनेगा प्लस 2 ओएटा प्लस 3 इंटू 2 6 ओएटा इंटू ओएटा इज ओएटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 9 इंटू ओएटा स्क्वायर। अगर मल्टीप्लिकेशन में आपको प्रॉब्लम है तो पिछले पार्ट्स में हमने किए हैं, एक पार्ट सेकेंड पार्ट है शायद इसका, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वहां जाकर आप देख सकते हैं, उसमें बिल्कुल एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके नाउ दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 5 ओएटा, ओएटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, तो ये बन गया प्लस माइनस माइनस 6 डिवाइडेड बाय 1, ओएटा स्क्वायर अगेन इज माइनस 1 एंड माइनस माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इज माइनस 5 प्लस 5 ओएटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9 इज 10। तो ये आ गया हमारे पास माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 ओएटा। ओके ये बन गया जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म। इसका अब हम एम्पलीट्यूड निकालेंगे। इसमें एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस 1 अपॉन 2 एंड वाई की वैल्यू है 1 अपॉन 2। सो अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यूज हमारे पास एम्पलीट्यूड आएगा, मीन्स एंगल आएगा टैन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, विच विल बी टैन इनवर्स वाई है हमारे पास 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई एक्स की वैल्यू है माइनस 1 अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा टैन इनवर्स माइनस 1 विच इज़ वैल्यू ऑफ माइनस 45 डिग्री। ये बनेगा पहले माइनस 45 डिग्री। नाउ हम क्वाड्रेंट्स चेक करेंगे इसके। ओके अब देखिए क्वाड्रेंट क्या है ये। अब क्वाड्रेंट की अगर बात करें हम तो ये बनेगा नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव के कौन सा क्वाड्रेंट होगा? ये सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, इसके अकॉर्डिंग बन गया ये सेकेंड क्वाड्रेंट। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में इंटरवल्स कौन से होंगे? 90 डिग्री प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। ओके तो 90 डिग्री हम नहीं लेंगे, इसमें हम लेंगे 180 माइनस थीटा। तो इसका क्या होगा हम देखेंगे। पहले थीटा लाइज बिटवीन, थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको लिखने का मेथड ये होगा थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 180 माइनस 45 डिग्री एंड विच विल बी इक्वल टू 135 डिग्री। सो इसके जो एंगल्स होंगे वो क्या क्या आएंगे? एक तो होगा माइनस 45 डिग्री और एक होगा 135 डिग्री। ये आ गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे हमने निकालना है मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड। आगे जो पोलर फॉर्म के लिए चाहिए तो उसके लिए हमें एम्पलीट्यूड आना चाहिए पहले, देन पोलर फॉर्म हम इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे कि पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है और रेक्टेंगुलर फॉर्म को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।